लीजिए हाजिर हूँ एक बार फिर से हर शाम 7 बजे की तरह देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आइए एक नजर डालते हैं 1 अप्रैल की तमाम खबरों पर। बुधवार को मध्य प्रदेश में कोरोना के 20 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 86 हो गई। राज्य में बढ़ते आंकड़ों के बीच में सबसे चिंताजनक है राज्य में बच्चों के बीच बढ़ता कोरोना का संक्रमण। इन बच्चों की उम्र 3 साल, 5 साल और 8 साल है। देहरादून के एक 15 साल के छात्र ने कोरोना वायरस आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि सभी धार्मिक संस्थानों के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी संपत्ति का 80% हिस्सा दान में देना अनिवार्य करें। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मकरज को खाली कर लिया गया है। यहाँ से 2361 लोगों को 3 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद निकाला गया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मजनू का किला गुरुद्वारा में फंसे 300 लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के प्रकोप से देश की इकोनॉमी तबाह हो रही है। इस हालात के बीच में सरकार अगले 6 माह में 4.88 लाख करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। इसकी जानकारी आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट में बाजार से 7.8 लाख करोड़ रुपए का उधार लिए जाने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हुई पहली मौत। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 25 साल का युवक भर्ती था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने के बाद आईकेजीएमयू की जांच रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव निकला। ये लड़का बस्ती का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि युवक 28 मार्च को बस्ती के अस्पताल में भर्ती हुआ था। भारत में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में चीन के जैक मा और अली बाबा फाउंडेशन ने मदद का बड़ा कदम उठाया है। भारत की सख्त जरूरतों को देखते हुए फाउंडेशन ने प्रोटेक्टिव गियर्स, फेस मास्क और वेंटिलेटर्स की खेप भेजी है। फाउंडेशन की ओर से ये दूसरी बार सप्लाई है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार वहां से सप्लाई आ चुकी है। अमेरिका के आने वाले स्वतंत्रता दिवस 4 अगस्त तक 82,141 मौतें हो सकती है। इस समय सोमवार तक 1,64,000 केस कोरोना संक्रमित लोगों के सामने आ चुके हैं। सोमवार को ही इसमें 20,000 रिकॉर्ड केस बढ़े हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ है। हर देश अपने अपने तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जिसके तहत सड़क पर सोने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए 5-स्टार होटल में रखा जाएगा। कोरोना महामारी के संकट के बीच मोदी सरकार के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। फरवरी में 8 प्रमुख उद्योगों वाले कोर सेक्टर का ग्रोथ 11 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। भारत में फरवरी में 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 5.5% पर रही। लोन की EMI 3 महीने तक टालने का मंगलवार को कई सरकारी बैंक और कुछ वित्तीय संस्थानों ने भी आदेश ग्राहकों को दे दिया है। निजी बैंक आज अपने ग्राहकों के लिए इसकी घोषणा कर सकते हैं। कोरोना वायरस की महामारी देश में फैलती ही जा रही है और लॉकडाउन की वजह से लोगों का काम धंधा पूरी तरह से रुक गया है। ऐसे में कर्जदारों को राहत देने की जरूरत थी। लॉकडाउन के बीच LPG सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। इंडेन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलो नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमत अब 744 रुपए हो गई है। इससे पहले दिल्ली में ये सिलेंडर 805.50 रुपए के भाव पर था। कोरोना से जंग के लिए दान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को कॉर्पोरेटर जगत ने हाथों हाथ लिया है और बड़े पैमाने पर डोनेशन आ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में टाटा ग्रुप की तारीफ की है, जिसने पीएम केयर्स फंड में 1500 करोड़ रुपए का दान दिया है। हमारे देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1500 के पार हो गई है। वहीं 41 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना का संक्रमण फैलने की दर कम है। परिस्थिति चुनौतीपूर्ण है। देश के लगभग सारे राज्य ही इस वायरस के चपेट में आ गए हैं। बड़ी तेजी से वायरस लोगों को अपना शिकार बना रहा है। योगी सरकार मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए भेज चुकी है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने भी 15 अप्रैल से अनाज देने का वादा किया है। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों और शहरी क्षेत्र के राशन कार्ड धारक दिहाड़ी मजदूरों को योगी सरकार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया है। 23 मार्च को हजरत निजामुद्दीन के SHO ने तबलीगी जमात के लोगों को भीड़ हटाने की चेतावनी दी। SHO ने तबलीगी जमात के लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाकर नोटिस भी दिया और कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं करवाया जाता है तो सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चीन में कोरोना वायरस का असर कम होता दिखाई दे रहा है। चीन अपने शहरों से लॉकडाउन भी हटाता जा रहा है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती है कोरोना वायरस के दोबारा होने वाले हमले की। आशंका है कि ये लहर अप्रैल अंत तक एक बार फिर से चीन को घेरेगी।
भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हुई, 1500 के करीब संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,56,000 हो गई है, जबकि 42,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1,77,000 पहुँच चुका है। पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका इन दिनों कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,63,000 के पार पहुंच गई है। चीन में जानलेवा कोरोना वायरस का टीका विकसित किया जा रहा है। अगर वुहान में चल रहे परीक्षण से साबित होता है कि ये टीका सुरक्षित और प्रभावी है, तो चीन की योजना इस बीमारी से गंभीर रूप से प्रभावित अन्य देशों में भी इसका परीक्षण करने की है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल यानी कि आज से भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें रसोई गैस सिलेंडर के दाम, पेंशन, बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिया गया सस्ते कर्ज का तोहफा आदि शामिल है। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही है, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही है या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें वो बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये टॉप 20 खबरें हर शाम 7 बजे यूं ही मिलती रहेंगी और हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।